Welcome to our exploration of the profound impact that sports and physical activity can have on the lives of young individuals. In this video, we will explore into the transformative effects of engaging in sports, examining how these activities go beyond the playing field to shape and enhance various aspects of lives required for the 21st century. This is a three-video series where we are going to meet incredible young individuals, each of whom has experienced the life-changing benefits of sports and physical activities. Let's hear directly from them, one by one, as they show how these pursuits have shaped their 21st century skills. Today we are going to meet Supriya from Enabling Leadership. She's going to talk about her experience with S4D and leadership skill. Begin by introducing yourself and your journey in sports. Share any leadership roles or responsibilities you've taken on within your sports activities. My name is Supriya Rathre. I am 18 years old. I am in Bharatpur, Bhubaneswar, Odisha. I was a participant in the BSD. I was very active. और जो भी हमारे सेशन ले रहे थे उस वक्त, तो मैं उनके सारे इंस्ट्रक्शन को सुनती थी ध्यान से, उनकी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनती थी कि ऐसे खड़े होना है, उस गेम्स के रूल क्या होते हैं, वो भी जो बोलते थे मैं ध्यान में रखती थी। और फिर मेरे जो फ्रेंड्स होते थे, तो सारे बच्चे ऐसे कि मतलब इनडिसिप्लिन हो रहे थे, इसलिए सर को ही मतलब हमारे टीचर्स को भी दिक्कत होता था कि उनको हैंडल करने में। तो मैंने जब देखा कि मैं ये सोचा कि ये मतलब सिर्फ टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो भी पार्टिसिपेट है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान से सुने, ताकि उनको आगे हर सेशन में बार बार ये ना बोलना पड़े कि आप ऐसे खड़े रहो, डिसिप्लिन में रहो, कि ऐसे मिक्स चैनल के हिसाब से खड़े रहो। तो मैंने ये चीज़ को ध्यान में रखा और फिर मैंने ये सोचा कि अगले जो सेशंस बाकी हो गए, तो सर के आने के पहले और उनके बोलने से पहले मैं ही मेरे फ्रेंड्स को ऐसे लाइन से खड़े रहूँ जैसे एक लड़का लड़की खड़े होते, और फिर उनको साइलेंट कराऊँ। और ये छोटी छोटी हेल्प करके मैं मेरे टीचर्स को बहुत कोऑपरेट करती थी उस टाइम, और बच्चों भी मेरे बात सुनते थे। और फिर टीम वर्क जो आती है हमारे, जैसे टीम में हम खेलते हैं, तो खेलने टीम के खेलने से ये होता है कि ऐसा नहीं कि बस लीडर को ही बोलना है और बाकी सबको मतलब सुनना है, ऐसे नहीं होता था। पीएसटी टीम में मैं आज ए पेयर लीडर बनी, उसके बाद आज ए ट्रेनर अभी हूँ। तो ये मैं मेरे टीम मेंबर्स के साथ ऐसे कोऑपरेट करती हूँ कि जैसे ही मैं ऑफिस वर्क हो गया, कुछ भी हो गया, और फिर फील्ड वर्क हो गया, जैसे हम बच्चों के सेशन लेते हैं अभी अलग अलग स्कूल में जाके अलग अलग बच्चों को खिलाते हैं, और फिर जो भी हमारे टीम पीएसटी टीम में जो भी मेंबर्स है, अगर अभी कोई न्यूली ज्वाइन किया है, तो वो मेरे साथ ही, अगर उनको कोई दिक्कत हो रहा है या कोई परेशानी है, कोई मतलब कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनसे बातें करती हूँ और फिर उनको समझाती हूँ। और फिर जिसको भी मतलब वैसे होता है कि फील्ड में जाके वो नर्वस हो जाते हैं कि बच्चों को हम कैसे कंट्रोल में रखें और बच्चों को कैसे खिलाएं, वो छोटे बच्चे होते हैं तो सुन ही नहीं रहते हैं, तो उनको वो थोड़ा टेंशन होता है कि मैं कैसे मेरा सेशन अच्छे से लूँ। तो मैं उनको हौसला देती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ कि आप ऐसे करो कि वैसे करो, छोटे छोटे सजेशन देती हूँ, ये करके उनको कम्युनिकेट करती हूँ। और फिर टीम में मेरे जो भी छोटे बड़े, जो भी मेरे से छोटे हो या मेरे से सीनियर्स हो, उनके सबके मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, और मेरे जो सीनियर्स मेंबर होते हैं उनसे शेयर करती हूँ मेरे जो भी प्रॉब्लम होते हैं। और फिर मुझे अगर कोई चीज़ की सजेशन चाहिए होता है, उनसे ज़्यादा बातें करती हूँ, उनसे ओपिनियन मांगती हूँ कि मैं क्या करूँ, मतलब क्या करने से अच्छा होगा, क्या नहीं। तो ये छोटी छोटी स्किल जब मैं पार्टिसिपेट थी तो तब मैं ये जो छोटी छोटी स्किल जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम वर्क, ये सब मैं छोटी छोटी स्किल्स में सीखते आई। और फिर यही छोटी छोटी स्किल मेरे जिंदगी में, मेरे डेली लाइफ में, मेरे स्पोर्ट्स के कैरियर में, हर एक जगह में मैंने बदलाव लाई है। और यही बदलाव के वजह से मैं आज जो ऑर्गेनाइजेशन में आज पार्टिसिपेट थी, अभी वहाँ पर एज ए ट्रेनर बच्चों को खिलाती हूँ, तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फील्ड बच्चों को ऐसे
मतलब स्किल सिखा रहे हैं गेम के थ्रू, जो भी वो डेली लाइफ में भी वो मतलब हमारे आप इफेक्ट करता है. थैंक यू. We listened to Supriya. Her story shows that playing sports and participation in physical activities can teach us important things about life. These lessons help us understand why sports or physical activities is important. It teaches skills that are useful for success in the 21st century.